ये बहुत मुश्किल काम है, जोर वाला काम है। सारा दिन सुबह उठ के शाम तक जोर ही जोर है हमारा काम है। लकड़ी भी खत्म होता जा रहा है, अभी पंजाब में है नहीं लकड़ी, हमारे जितना आ रहे सिंध से आ रहे हैं। पेट्रोल सस्ता था, हमारा मजदूरी बचता था, गुजारा हो जाता था। महंगाई की वजह से हमारा काम पर बहुत असर हुआ है, हाथों का मेहनत ही नहीं बचता, रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त, गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल। मेरा नाम शाहिद खान है, मैं 15-16 साल से लकड़ी का कारोबार कर रहा हूँ, फायदा नहीं है इसमें। लकड़ी महंगा हो गया, डीजल और पेट्रोल की वजह से लकड़ी का किराया ज़्यादा हो गया, सिर्फ मेहनत मजदूरी बच जाते हाथों वाली बस। मौसम बदल जाए, सर्दी आएगा फिर लोग इधर लकड़ लेने आते हैं, गैस भी नहीं होता, गैस का शार्टेज होता है, इधर एलपीजी भी महंगा है, फिर लोग इधर लड़ते हैं, भाई हम गरीब लोग हैं किधर जाए लकड़ी कैसे जलाए, लड़ते हैं लोग, बहुत लड़ते हैं इस रेट की वजह से, भाई रेट लकड़ी तुम्हारा ज़्यादा, रेट लकड़ी का कारोबार नहीं है आजकल, कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल बैठ गया कारोबार लकड़ी का, कभी 5 मान कभी 10 मान कभी 20 मान, इतना मज़ा नहीं है कारोबार का। उस टाइम माशाल्लाह अच्छा खासा काम था, 25-30-40 मान बिकता था डेली। कारोबार न होने की वजह से बिल्कुल नुकसान में जा रहे हैं, खर्चे ही पूरा नहीं होते, घर का घर भी किराया भी कराया के उधर मकान का भी कराया, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है वो पूरा नहीं कर सकते बंदा, बहुत ज़्यादा जोर लगता है, आसान काम नहीं है। शुरू से अबू का दादा का वैसे पुराना कारोबार है हमारा, बहुत ज़्यादा रेट है, अभी 50-60 रुपये बचा रहे हैं मन में, मेहनत मजदूरी डाल के तो अभी नहीं बचते। सूखा लकड़ी और सिंध लकड़ी तकरीबन 200-250 रुपये का फर्क होता है मन में, सिंध से जब 15-20 हज़ार का कराया तो 80-40 हज़ार से पहुँच गया कराया, 100-150 रुपये तकरीबन रेट में इजाफा हो गया पेट्रोल डीजल की वजह से। पहले 10-8 रुपये मजदूरी लेता था गाड़ी भरने का, अब 15-16 रुपये उधर मजदूरी ले रहे हैं। माशाल्लाह फैमिली बड़ा है तो बंदे दुकान पे हम इस वक्त तीन बंदे काम कर रहे हैं। पहला तो अच्छी सस्ता था लकड़ी भी, रोजी बचता था, अब हर चीज़ भी रेट हर चीज़ का देख रहे, हर चीज़ बढ़ गया, चीनी घी दाल हर चीज़ किराया किधर पहुँच गया,